आजकल सोशल मीडिया पर भारत के दामाद जी के नाम से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ट्रेंड कर रहे हैं। अपने हिंदुवादी विचारधारा से उन्होंने भारत का दिल तो जीता ही, साथ ही अक्षरधाम में सुनक समेत पत्नी अश्ता की तस्वीर ने लोगों के दिल में घर कर लिया और फिर ट्रेंड करने लगा दामाद जी। भारत के दामाद जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब भारत आए तो उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की, खालिस्तानियों को जमकर लताड़ लगाई। लेकिन जब सुनक भारत से ब्रिटेन चले गए तो खबर मिल रही है कि सुनक को भारत से जितनी उम्मीद थी तरहीज की उतनी नहीं मिली, यानी जितनी सम्मान की उन्हें उम्मीद थी उतनी नहीं मिली। हालांकि ये सुनक ने खुद नहीं बल्कि ब्रिटिश मीडिया ने कहा है, ये ब्रिटिश मीडिया की टिप्पणी है सुनक के भारत दौरे पर, जिसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश मीडिया पर खासा नाराज हैं। लेकिन सुनक ने खुद ही अपनी मीडिया को अपने बयान से तगड़ी लताड़ लगाई है। सुनक ने भारत दौरे पर ब्रिटेन पहुंचकर क्या कहा वो बताए, उससे पहले ब्रिटेन मीडिया ने क्या जहर उगला है वो बता देते हैं। चलिए ये खबर ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन ने छापी है। उन्होंने लिखा है, सुनक को भारत में उतनी तरजीह नहीं मिली जितनी कि उन्हें उम्मीद। ऋषि सुनक के इस दौरे को लेकर द गार्जियन ने हेडिंग दी है। आप इस हेडिंग को जरा गौर फरमाइए कि क्या लिखा है गार्जियन ने। लिखा है, ऋषि कौन G20 में भारत के करीब आने की होड़ में सुनक निर्धारित वरीयता क्रम से भी नीचे खिसक गए। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम को नहीं दी तरजीह, द गार्जियन। ये है द गार्जियन की हेडलाइन। अब हेडलाइन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी नकारात्मक तरीके से ये खबर छापी गई है। पीएम मोदी और ऋषि सुनक जिस तरह एक दूसरे से जिस तरह से उन्होंने मिला, जिस गर्मजोशी से ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को गले लगाया, उतने ही जहरबाद तरीके से द गार्जियन ने ये खबर लिखी है। अब आगे देखिए कि वेबसाइट में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा, ब्रिटिश पीएम शनिवार को आखिरकार अपने समकक्ष पीएम मोदी से तो मिले, लेकिन एक दिन के इंतजार के बाद, वो भी बिना किसी प्रभावशाली फोटो सेशन के। शनिवार को जब वो नरेंद्र मोदी से मिले तो यह मुलाकात वैसा नहीं था जैसा ब्रिटिश पीएम को उम्मीद थी। वही ब्रिटिश अखबार ने आगे लिखा, जब भारत और ब्रिटेन क्रमशः दुनिया की पांचवी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच मुलाकात एक दिन पहले यानी कि 8 सितंबर को ही नहीं नई दिल्ली स्थित पीएम आवास पर होने वाली थी। लेकिन कूटनीति कितनी क्रूर हो सकती है, सुनक ने इसे खुद महसूस किया होगा। सुनक को अगर पूरी तरह से उपेक्षित नहीं किया गया तो वो तरजीह भी नहीं दी गई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, यानी कि जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी सम्मान की उतनी नहीं दी गई, ना तो उन्हें ही एकदम से इग्नोर किया गया, ये कहा जा रहा है गार्जियन के रिपोर्ट में। अब आगे क्या लिखा है वो बता देते हैं। आगे लिखा है कि पीएम मोदी के आवास पर होने वाले शानदार फोटो सेशन के बजाय दोनों नेता वहां मिले जहां भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, यानी कि भारत मंडप में बने एक कक्ष में, क्योंकि पीएम मोदी का आवास अपने पूरे वैभव के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए रिजर्व था। अब आगे वेबसाइट में लिखा है, कई लोगों का मानना है कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन अब वैश्विक मंच पर और अधिक अलग थलग हो गया है और ब्रिटिश पीएम सुनक को भारत में मिली कम तवज्जो से स्तर को और मजबूती मिलती है। सुनक के कार्यक्रम में बदलाव ने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की जटिल व्यवस्था और अस्थिर राजनीति को प्रतिबिंबित किया है, साथ ही वैश्विक मंच पर ब्रिटेन को अपनी स्थिति से अवगत कराया है। आगे द गार्जियन में लिखा है, शुक्रवार रात को होने वाले सुनक के साथ मुलाकात को रद्द करने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं थे, व्यापार अधिकारियों के नए प्रतिमंडल ने भी पहले से तय सुनक से मुलाकात की इस हवाले से रद्द कर दिया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शहर की कई सड़कें बंद हैं। आगे ब्रिटिश अखबार ने लिखा, प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की यह पहली भारत यात्रा थी, उन्होंने खुद को भारत का दामाद बताया, ऐसे में उन्हें उत्साहपूर्ण स्वागत की उम्मीद थी। लेकिन दिल्ली में शहर व्यापी बंद होने के कारण बहुत कम लोग हैं कि सुनक से मिलने आए। अब इसी प्रोपेगेंडा पर सुनक ने अपने बयान से तगड़ी लताड़ लगा दी है और जिस तरह से ब्रिटिश मीडिया ये कह रही है कि सुनक को उतनी तवज्जो नहीं मिली, तो वो देखे कि अक्षरधाम जिसे वहां पर फोटो सेशन नहीं कराने दिया जाता है, ना तो किसी तरह इस तरह से फोटो सेशन कभी भी किसी को अलाउ नहीं है, सुनक जिस तरह से वहां पर पहुंचे या और जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की, तस्वीरें भी तमाम आई, लोग देख रहे हैं, लोग सुनक और अश्विता की जो कपल गोल्स है उस पर भी बात कर रहे हैं, पूरी जनता, भारतीय जनता इस समय सुनक को अपने दामाद के नाम से नवाजे जा रही है। लेकिन पता नहीं ब्रिटिश मीडिया क्या देख रही है और क्या जहर उगलना चाहती है।
अब आप सुनिए कि सुनक ने क्या कुछ कहा जो ब्रिटिश मीडिया पर एक तगड़ी फटकार है। सुनक ने ब्रिटेन पहुंचते ही भारत के बारे में क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। सुनक ने कहा, भारत में G20 समिट सफल रहा, मुझे भारत में अच्छा लगा, भारत मेरे घर जैसा है, मैंने भारत में ऐसे आनंद उठाया जैसे कोई बच्चा अपने ननिहाल पहुंचा हो। तो ये था ऋषि सुनक का बयान जो ब्रिटेन पहुंचने के बाद उन्होंने दिया है। उन्हें भारत अपने ननिहाल जैसा लगा, यानी कि अपने घर जैसा लगा, उन्होंने एक छोटे बच्चे जैसा आनंद लिया। लेकिन ब्रिटेन की ये जो मीडिया है गार्जियन, उन्हें अब सुनक के बयान सुनने चाहिए और खुद को समझाना चाहिए कि इस तरह से नकारात्मक खबरें फैलाने से भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं वो खराब नहीं होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।